समाजवादी ने 8 और प्रत्याशियों के टिकटों का ऐलान किया है। 8 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। 8 सीटों पर और ऐलान किया है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने कुल 8 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। कासगंज, बदायूं, सीतापुर, लखनऊ की 2 विधानसभा सीट, कानपुर देहात की सिकंदरा, कानपुर नगर की कानपुर कैंट, बांदा की 1 सीट को अनाउंस किया गया है। और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, 8 और प्रत्याशियों की सूची आज समाजवादी पार्टी ने जारी की है। बिल्कुल, देखिए अभी अभी 8 प्रत्याशियों की सूची समाजवादी पार्टी ने जारी की है। ये इसमें पटियाली है कासगंज जिले में, उसमें नादिरा सुल्तान को टिकट दिया गया है। बदायूं शहर से रईस अहमद को, सीतापुर की सिधौली सीट से पूर्व विधायक जो भी शामिल हुए थे बसपा से, हरगोविंद भार्गव को टिकट दिया गया है। और लखनऊ की 2 सीटें घोषित की हैं अखिलेश यादव ने, जिसमें मलिहाबाद से सुशीला सरोज और मोहनलालगंज से जो वर्तमान विधायक हैं अम्बरीश पुष्कर, इनको टिकट दिया गया है। सिकंदरा से प्रभाकर पांडे, कानपुर कैंट से मोहम्मद हसन रूमी और बांदा सदर से श्रीमती मंजुला सिंह को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से टिकट दे दिया है। लखनऊ में 9 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें से 2 सीटें अभी घोषित हुई हैं। 7 सीटों पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है, जबकि आज से चौथे चरण का नामांकन शुरू हो गया है। तो ये माना जा रहा था कि 27 तारीख तक हर हाल में बीजेपी ने भी नहीं घोषित किया और समाजवादी पार्टी ने भी नहीं घोषित किया, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मामले में आगे है कि उसने लखनऊ की 2 सीटें अभी घोषित कर दी हैं। अभी बीजेपी की लिस्ट का भी इंतजार हो रहा है। बाकी अखिलेश यादव लखनऊ में बाकी 7 सीटों पर किसे लड़ाएंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, यानी लखनऊ की भी 2 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। दोनों सुरक्षित सीटें हैं, बाकी के सीटों का अभी ऐलान नहीं किया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपका। आठ प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। कासगंज, बदायूं की, सीतापुर की सिधौली, लखनऊ की 2 विधानसभा सीट, कानपुर देहात की 1, कानपुर नगर की 1, कानपुर कैंट से मोहम्मद हसन रूमी को टिकट दिया गया है, कानपुर नगर से, और कानपुर देहात से प्रभाकर पांडे को, यानी कानपुर देहात से प्रभाकर पांडे को और कानपुर नगर से मोहम्मद हसन रूमी, नगर से मोहम्मद हसन रूमी को और कानपुर देहात से प्रभाकर पांडे को, बांदा से मंजुला सिंह, ये 8 प्रत्याशियों की सूची समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है। थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने 91 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी और अब अखिलेश यादव ने 8 और प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बारी बारी से लोग अपनी सीटों का ऐलान कर रहे हैं, अपने विधानसभा सीटों की टिकटों का ऐलान कर रहे हैं। को मिलने वाली योजना